नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम। अब देख रहे हैं टेक इंडिया डिफेंस लेटर वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड, इस वीडियो में कुछ नए तरह का डिफेंस न्यूज के बारे में बात किया। आप डिफेंस लेटर न्यूज को लेकर इंटरेस्टेड है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसे टाइप का वीडियो लाते रहूंगा। फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, फर्स्ट न्यूज की बात करते हैं इंडियन नेवी की तरफ से। इंडियन नेवी की तरफ से ही बताया गया, इंडियन नेवी को थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर का भी कोई दरकार नहीं है। इंडियन नेवी अभी सबमरीन फ्लीट और लैंड बॉर्डर में ध्यान दे रही है, लैंड बॉर्डर और सबमरीन फ्लीट बनाने में ध्यान दे जा रहा है इंडियन नेवी की तरफ से। क्योंकि फिर एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए मिनिमम 15 ईयर्स लगता है और 5 से 6 बिलियन से ज़्यादा आपको पैसा लगता है। इसलिए इंडियन नेवी अभी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रही है सबमरीन फ्लीट को, न्यूक्लियर पावर सबमरीन बनाने में ज़्यादा से हद तक ध्यान दिया जा रहा है इंडियन नेवी की तरफ से। क्योंकि फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो ओपी बनने में 15 ईयर्स लगा था, न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर। क्योंकि इंडियन नेवी तो अभी कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में ज़्यादा से हद तक ध्यान दे रहा है। फ्रेंड, चीफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत की तरफ से यही बताया जा रहा है। फ्रेंड, देखते हैं क्या होता है। थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर तो उनको दरकार पड़ सकता है, क्योंकि दो एयरक्राफ्ट कैरियर जब ऑपरेशन में रहेगा तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर मेंटेनेंस में रह सकता है। फ्रेंड, आपको सभी को क्या लगता है मुझे कमेंट कर बताएं। फ्रेंड, सेकंड न्यूज़ की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आता है। इंडियन एयरफोर्स को बहुत ही जल्दी देश में निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का तेजस का सेकेंड स्क्वाड्रन मिलने वाला है इंडियन एयरफोर्स को बहुत ही जल्दी। ये फिलहाल तमिलनाडु का सुल्लूर एयरबेस से ऑपरेट किया जाएगा, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बताया जा रहा है अभी। फ्रेंड, आप सभी को तेजस के बारे में नहीं पता है तो मैं शॉर्टली बता देता हूँ। तेजस एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसे HAL की तरह बनाया गया है, जो देश की एक कंपनी, इंडियन कंपनी है HAL, जिसे स्वदेशी तब से देश के तब से ही बनाया गया है। तो फिलहाल अभी सेकेंड स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स को मिलने वाला है, फर्स्ट स्क्वाड्रन मिल चुका है इंडियन एयरफोर्स को, ये फिलहाल इंडियन एयरफोर्स को मिलने वाला है, इसी महीने शायद मिल सकता है। फ्रेंड, इसके थर्ड न्यूज़ की बात करें तो चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की तरफ से आता है। उनके तरफ से बताया जा रहा है पैंडेमिक COVID-19 पैंडेमिक के चलते PM केयर्स फंड में पर मंथ 50,000 का उन्हें डोनेट कर रहे हैं, मतलब 6 लाख का डोनेट उनके तरफ से किया जा रहा है। ये हम सभी के लिए बहुत ही अच्छी बात है और देश के लिए, शायद हम लोग बहुत ही जल्दी ये पैंडेमिक डिजीज से ठीक हो जाए। फ्रेंड, इसके फोर्थ न्यूज़ की बात करें तो इंडिया फिलीपींस का डिफेंस डील के तरफ से आता है। इंडिया की तरफ से बताया गया सुपरसोनिक ब्राह्मोस क्रूज मिसाइल फिलीपींस को सेल करने वाला है इंडिया। फिलीपींस कुछ बैटरी इंडिया की तरफ से खरीदेगा, फिलीपींस की तरफ से ये बताया जा रहा है। ये डील बहुत आगे साइन हो जाना चाहिए था लेकिन COVID-19 के चलते साइन नहीं हो पा रहा था, शायद इस साल साइन हो जाएगा फिलीपींस की तरफ से बताया जा रहा है। फ्रेंड, आप सभी को ब्रह्मोस मिसाइल का नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। ब्रह्मोस मिसाइल एक इंडिया रशिया के द्वारा जॉइंट वेंचर में बनाया गया सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे एंटी शिप मिसाइल मतलब फाइटर एयरक्राफ्ट से तरह भी लॉन्च किया जा सकता है, नहीं तो एंटी सरफेस मिसाइल भी सब लॉन्च कर सकते हैं, मतलब एयर टू सरफेस मिसाइल हिसाब से भी लॉन्च कर सकते हैं ब्रह्मोस मिसाइल को। शायद बहुत ही अच्छा बात है इंडिया के लिए, इंडिया धीरे धीरे ग्लोबल एक्सपोर्टर बनने वाला है हमारे। फ्रेंड, आप सभी को वीडियो कैसा लगा और कौन सा न्यूज़ आपको ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जो से बताएं। फ्रेंड, आगे भी ऐसे टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं कि नहीं मुझे कमेंट करके बताना मत भूलना। मैं टेक के साथ साथ मोबाइल टेक्नोलॉजी के साथ साथ डिफेंस रिलेटेड वीडियो बनाने का भी कोशिश कर रहा हूँ आप सभी के लिए। सारे न्यूज़ आप सभी के लिए लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्रेंड, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।